देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सहारनपुर में गुरु सिंह सभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु सिंह सभा के डेलीगेशन सरदार जसवीर सिंह बग्गा की अगुवाई में सतवीर सिंह मानक और प्रभजोत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलकर सहारनपुर में गुरुद्वारा निर्माण में आ रही रुकावटों के बारे में बताया। सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी है कि अपने समाज को जोड़ने का काम, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पहली बार आने का काम हुआ है, थोड़े टाइम से हमारी वर्किंग स्टार्ट रही है। सन 2014 के अंदर सबसे पहले अकाली दल ने यहाँ जब मामला हो गए थे तब यहाँ मदद करने का काम किया था, तब से ही थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम लोग लखनऊ तक पहुँच चुके हैं। अभी श्रोमणी अकाली दल पंजाब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा से प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा, अपना टिंडसा साहब और बुंदर साहब जो राज्यसभा से मेंबर है वो तीनों, और इसके अलावा एमएलए हमारे जो दिल्ली से हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और अमृतसर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, ये सब लोग आप जाकर वहाँ पर मिले। और उसमें सबसे प्राथमिकताएँ जो थी वो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी मसले सिख समाज से संबंधित मसले थे, उन लोगों उस मसलों पर बात हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से गुरुद्वारा ज्ञान गोत्री साहब का मसला, जिसमें ज़मीन आवंटन करनी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा 1984 के दंगों का मामला था, पीलीभीत में सिखों का जो कत्लेआम हुआ था जेल के अंदर उसका मसला था, इसके अलावा सन 2014 के अंदर जो सहारनपुर का जो दंगा हुआ था उसके अंदर मुआवजे से संबंधित, इसके अलावा जो फेक मुकदमे जो सिख समाज पर हुआ था उससे संबंधित, और इन तमाम मामलों के अंदर आनंद मैदी जैक, इसके अलावा आपका महोबा के अंदर एक साथ सिखों की ज़मीन पर कब्जा, अमरोहा के अंदर सिखों की ज़मीन पर कब्जा, इसके अलावा आपका जो पंजाबी के टीचर्स के लिए जो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के साथ आए। अगली रणनीति हमारी है कि अपने समाज को जोड़ना और मुख्य धारा में जोड़ना, में सबसे बड़ी बात राजनीति 403 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी से सिखों को जो है प्रतिनिधित्व मिलता है। बीजेपी से एक विधायक, एक टिकट मिला वो विधायक बने और उनको मंत्री बनाया गया, हम सम्मान करते हैं इस बात का कि बीजेपी का जो है कि उन्होंने सिखों को जो है अपनी जगह देने का काम किया, इसके अलावा किसी भी पार्टी ने सिखों को सम्मान देने का काम नहीं किया। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।